महादेव। कैसी रही आंटी यात्रा? बहुत अच्छी रही गीता। थोड़ा सा कठिन है? कठिन है, बहुत कठिन है। चलिए थोड़ी दर्शन होते हैं बाबा। चलिए कोई नहीं, दर्शन अच्छे से हो गए हैं। बहुत अच्छे से दर्शन करके आए भैया, दो बार करके आई हूँ मैं तो। चलो बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं आप? हम गुजरात से हैं। गुजरात से? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अंकल पैदल ही जा रहे हैं? बिल्कुल सर पैदल। कहाँ से आ रहे हैं अंकल? हम भिलवाड़ा से, राजस्थान से आए। राजस्थान से आए हैं। पहली बार आ रहे हैं या पहले भी? पहली बार सर। पहली बार। चलिए अच्छा है, बाबा वेट कर रहे हैं आपका, अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। शुभ यात्रा अंकल। जय भोलेनाथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। ऑल सेट, सब रेडी हैं दोस्तों। आज हम जा रहे हैं गौरीकुंड से केदारनाथ की तरफ और सुबह के बज रहे हैं 2। हम लोग हो गए रेडी, देखते हैं कितने बजे तक हमें वहां से एंट्री करने देते हैं गौरीकुंड में, यहां पे जो चेक पोस्ट है। और आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसलिए बने रहिए पूरे वीडियो में। और केदारनाथ धाम के आज आपको दर्शन करने को मिलेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए और खूब इंजॉय कीजिए हमारी वीडियो को। दोस्तों रात के 2 बजे हैं और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, एकदम जाम लग गया है गौरीकुंड से ही। घोड़ों से लग रहा है जाम, लात भी मार सकते हैं। जय श्री केदार। तो फाइनली 3 बजे यहाँ पे गौरीकुंड से हमें जाने दिया है, सुबह के 3 बजे अब हम निकल रहे हैं यहाँ गौरीकुंड से। और आप देख सकते हैं हजारों की तादाद है और बिल्कुल भीड़। फिर से एक बार हम वही स्पीड से निकल चुके हैं और मेरे साथी भी पता नहीं कहाँ रह गए। हजारों की भीड़ को पीछे छोड़ के हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान रास्ता, एनर्जी तो अभी पूछो मत। और मेरी ट्रैवलर भी पता नहीं कहाँ है। तो ट्रैकिंग जब स्टार्ट होती है भूत ऐसा सवार होता है कि फिर बड़े चलो। बाद अगला पड़ाव जो है वो है जंगल चट्टी, और जंगल चट्टी से ही आगे की ओर जाते हैं।
दोस्तों भीमबली के बाद आता है छोटी लिंचोली और यहाँ पे भी स्टे का और रहने का पूरा अरेंजमेंट है। छोटी लिंथोली के पास पहुँचते हैं, यहाँ बड़ी लिंथोली, यहाँ पे भी स्टे और फूड दोनों मिल जाएंगे। बड़ी लिंथोली के बाद आता है यहाँ पे केदारनाथ बेस कैंप और केदारनाथ बेस कैंप के बाद आता है केदारनाथ धाम। दोस्तों 2013 में जो आपदा आई थी अभी भी उसके निशान यहाँ देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा मंदाकिनी उफान पे थी, पूरा इस लेवल पे था। ये पुराना रास्ता हुआ करता था जो कि रामबाड़ा, यहाँ से सीधे यहाँ को जाते थे लोग, बट अभी ये पूरा रास्ता जो है ये ख़राब हो गया है, डैमेज्ड है, और ये नया रास्ता यहाँ पे बनाया गया है, तो इसी से लोग जाते हैं अभी केदारनाथ की ओर। दोस्तों गौरीकुंड में बहुत ज़्यादा भीड़ इस टाइम पे है, लेकिन अगर आप अच्छा ट्रैक कर लेते हैं तो आप भी हमारी तरह पूरी भीड़ को पीछे छोड़ के आगे आ सकते हैं और आपको ये काफ़ी हेल्पफुल भी रहने वाला है। आप टाइमली केदारनाथ धाम भी पहुंचेंगे और दर्शन के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा, जल्दी नंबर आएगा और सनराइज वो तो बेस्ट है देखने लायक। अभी भी यहाँ से 6 किलोमीटर अप्रोक्स हमें जाना है, देखते हैं कब तक हम पहुंच पाते हैं। दोस्तों ऐसा बोला जाता है ना कि उत्तराखंड में स्वर्ग से हवा आती है, तो यही है वो जगह जहाँ स्वर्ग से हवा आती है, जन्नत। हम पहुँच चुके हैं केदारनाथ धाम जो कि बहुत ही पास है हमारे, काफ़ी खुशी। और ये ट्रैक हमने केवल 3 घंटे में पूरा किया है और अभी धूप यहाँ पर निकल रही है और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़, हेलीकॉप्टर से भी लोग आते हुए, ऊपर केदार डोम पीक, नीचे केदारनाथ मंदिर। दोस्तों गौरीकुंड से पैदल ट्रैक करते हुए हम लोग पहुंच गए केदारनाथ धाम, और केदारनाथ धाम जो है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। और दोस्तों केदारनाथ धाम को पंच केदार में भी गिना जाता है। पंच केदार के लिए ये मान्यता है कि भगवान शिव जब नंदी बैल के रूप में प्रकट हुए थे तो केदारनाथ में उनके कूल्हे, रुद्रनाथ में उनके चेहरा, तुंगनाथ में उनके हाथ, मध्यमेश्वर में नाभि और पेट, और कल्पेश्वर में उनकी जटा की पूजा। इन्हीं 5 मंदिरों को पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है जो कि उत्तराखंड के ही चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हैं। दोस्तों केदारनाथ मंदिर जो है ये मुख्य रूप से 5 नदियों के संगम का मुख्य धाम भी माना जाता है। यहाँ पर जो है मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी का संगम होता है। तो दोस्तों फाइनली 30वां ट्रैक कंप्लीट हुआ और हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए आराम से बाबा केदार के। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं तो आ जाइए और अच्छे से यहाँ पे दर्शन हो जा रहे हैं। इस बार मैं आया था अपने ट्रैवलर के साथ, ट्रैवलर तो कैसा लगा आपको केदारनाथ आके? बहुत ही अच्छा, बहुत सुकून। सडनली हमारा प्लान बनाया केदारनाथ आने का और बहुत ही अच्छा, मतलब पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ हम यहाँ पे पहुँचे हैं। बिना जूते के मैंने नंगे पैर ये ट्रैक किया है और मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ है कि मैं केदारनाथ पहुँचा हूँ। और हमने एक दिन में सुबह हम निकले थे, केवल 3 घंटे में हमने ये ट्रैक किया है। अभी 9 बज रहा है, अभी वापसी करेंगे, आज शाम को हम घर भी पहुँच जाएंगे। बहुत बढ़िया चल रहा है और भीड़ देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ है। उसके बाद भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, केवल 2 दिन में ये कंप्लीट हो गया। तो दर्शन करने के बाद हमारी वापसी हो रही है और अभी भी भीड़ देखिए आप, लाइन इतनी लंबी लगी हुई है, लोग बहुत सुबह से वेट कर रहे हैं और अभी तक नंबर नहीं आया है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, पूरी दुनिया के लोग देखने को मिल रहे हैं अभी केदारनाथ में।
गौरीकुंड जहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, जब आप हाथ लगाएंगे तो आपको लगेगा कि ये आपका हाथ जला देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देख सकते हैं आप यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, और आप जब भी यहाँ पे आते हैं आप स्नान कर सकते हैं इसमें। और अभी मौसम भी यहाँ पे बारिश होने लगी है, फिर भी लोग गौरीकुंड के जो गौरीकुंड का महत्व है उसके हिसाब से यहाँ पे नहा रहे हैं।